तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपने पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट कोड BEVAE 181 के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग आज दूसरे अध्याय पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो भी नोट्स होगा वो आप लोगों को दूसरे पार्ट्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, दूसरे पार्ट में। एंड इसके बाद वाला जो मतलब जो पार्ट होगा, फाइनल इकाई दो होने के बाद, दूसरा पार्ट होने के बाद, हम लोग बढ़ेंगे अपने MCQ PDF की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न हैं वो बदल गए हैं BEVAE 181 के लिए। उसमें सारा क्वेश्चन MCQ टाइप होगा। MCQ टाइप कहने से मेरा तात्पर्य है कि सारे क्वेश्चन जो है एक मार्क्स के होंगे और वो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, मतलब ऑप्शनल प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इन दो पार्ट में हम इकाई दो को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वही MCQ वाले PDF पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिक तंत्र से। एंड एक चीज़ और दोस्तों, कि आप लोग अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बुरा लग रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की बात यहाँ पे, सॉरी ये गलत चीज़ हमने आउट कर लिया। तो पारिस्थितिक तंत्र की बात की जा रही है, ये हमारा टॉपिक है कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, इसी पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पृथ्वी के जिस मंडल में जीव रहते हैं, ये प्रस्तावना है दोस्तों। ठीक है, जीव रहते हैं, जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। जीव मंडल से सीधा देखिए, जीव मतलब जिसमें, जीव से मेरा तात्पर्य है सजीव, जिसमें जान है। ठीक है, जो प्रजनन कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ें जो भी सजीव के प्रॉपर्टी के विशेषताओं के अंतर्गत आता है उसे हम लोग सजीव कह सकते हैं। और वैसे सजीव पृथ्वी के जिस मंडल में रहते हैं उसे जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है, किसी जीव के भौतिक और जैविक घटकों की क्रिया और उनमें परस्पर क्रिया का संबंध एक तंत्र की संरचना करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे लिखा गया है, किसी जीव के भौतिक और जैविक घटकों की क्रिया और उनमें परस्पर क्रिया का संबंध। देखिए, तो किसी जीव के भौतिक और जैविक घटकों की क्रिया, देखिए कोई जीव है, सजीव है, जैसे मैं मानव हूँ, ठीक है, मैं सजीव हूँ, तो ये जैविक घटक हो गया, मैं जो हूँ जैविक घटक हो गया पर्यावरण का। जो सजीव होते हैं जिनमें जान होता है वो जैविक घटक होते हैं। तो जैविक घटक की जो क्रिया है भौतिक घटक से, भौतिक घटक कहने का मतलब जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कि तापमान, वर्षा, सॉरी तापमान, वायु, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें जान, इन सब चीज़ों में जान नहीं होता, निर्जीव होते हैं। तो हमारा जो क्रिया है, जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में चीज़ों को देख सकते हैं, तो दृश्यता जो है हम लोगों की, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं या फिर सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये सारे भौतिक घटक, भौतिक घटकों का जैविक घटकों से क्या संबंध है? हम लोग जैविक घटक, भौतिक घटक जैसे प्रकाश, वायु, ये सब, तो इनकी जो क्रिया होती है जैविक जैविक घटकों की, भौतिक घटकों से जो क्रिया होती रहती है उससे एक तंत्र का विकास होता है, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने डेफिनेशन लिख रखा है, हमने क्वेश्चन किया है, डेफिनेशन नहीं सॉरी, हमने क्वेश्चन किया है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र है क्या? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस विविक्त एकक में सजीव व निर्जीव दोनों पर्यावरणीय घटक हैं, जो अपनी संरचना, घटकों और क्रियाशीलता के संदर्भ में परस्पर निर्भर हैं और परस्पर संबंधित होते हैं। ऐसे विविक्त एकक को पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, जब सजीव व निर्जीव, तो सजीव कौन हो गए, तो जो जैविक घटक है, निर्जीव जो भौतिक घटक है, दोनों पर्यावरणीय घटक जब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और संबंधित होते हैं, इसी विविक्त एकक को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यही है पारिस्थितिक तंत्र। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्द जो इको मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम, यह प्रो आर्थर टेनसले द्वारा 1935 ईस्वी में दिया गया था, और उपसर्ग इको का अर्थ होता है पर्यावरण। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे लिखा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है और ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरण, भंडारण और निर्गम तथा अनिवार्य पदार्थों का चक्रण होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र, गतिक से मेरा तात्पर्य है कि गति करती रहती है जिसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया समय, जैसे सजीव में हो गया, निर्जीव प्रकाश, वायु, तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें जो है इन सभी के बीच में जो क्रिया होती है इसे ऊर्जा का जो निवेश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोग ग्रहण करते हैं, या फिर ऊर्जा का जो क्षय होता है जैसे हमारे शरीर से निकलने वाली उष्मा, गर्मी, और फिर स्थानांतरण, जैसे कि हम लोग पौधे को खाते हैं तो पौधे में मौजूद ऊर्जा वो हम लोगों के शरीर में स्थानांतरित होकर आती है। भंडारण, हम लोगों के शरीर में जो ऊर्जा का भंडारण होता है, जैसे हमने कुछ खाया तो वो कुछ समय के लिए हमारे शरीर में भंडारित होता है, और अनिवार्य पदार्थों का चक्रण होता रहता है। तो ऐसा गतिक तंत्र ही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी क्रियाएं ऊर्जा पर निर्भर होती है। तो ऊर्जा पर किस तरह से, जैसे कि सूर्य, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा, अगर यह उत्पादक को नहीं मिले, उत्पादक से मेरा तात्पर्य जैसे पेड़ पौधा, अगर पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश संश्लेषण तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे को मिले, तभी तो उत्पादक अर्थात पेड़ पौधा अपना भोजन बना पाएंगे, और भोजन जब वो बनाएंगे तो मतलब सूर्य से प्राप्त प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग उत्पादक ने किया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि होने वाली सभी प्रक्रिया ऊर्जा पर निर्भर होती है। अगर सूर्य का प्रकाश उत्पादक यानी पेड़ को नहीं मिलेगा तो जो पेड़ है, जो उत्पादक है, वो भोजन नहीं बना पाएंगे। इस तरह से जो गति, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अपनी जगह पर स्थगित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे उत्पादक ने अपना भोजन तैयार कर लिया तो इसे स्थूल उपभोक्ताएं खा लेते, जैसे हम लोग स्थूल उपभोक्ताएं हैं। स्थूल उपभोक्ताएं मतलब जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम लोग पेड़ पौधे साग सब्जी पर निर्भर है। तो इस तरह से स्थूल उपभोक्ताएं जो खाते हैं उसके लिए भी कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोगों को सूक्ष्म उपभोक्ताएं मतलब अपघटक, जैविक अपघटक, जैसे कि जीवाणु विषाणु जो कि हम लोगों के शरीर से जो भी जरूरी रासायनिक है उसको तोड़ देते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि वो जितने भी रासायनिक है वो वापस वायुमंडल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उत्पादक सूक्ष्म उपभोक्ताएं, यहाँ पे भी मैंने एरो लगा रखा है। तो उत्पादक सूक्ष्म उपभोक्ताओं से मेरा तात्पर्य है जैसे कि कोई पेड़ पौधे के नीचे राइजोबियम का बैक्टीरिया होता है, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो उत्पादक जो पेड़ पौधे उसको भी कुछ बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु खाते हैं। तो उसके बाद जितने भी रासायनिक घटक होते हैं वो सारे वायुमंडल में पुनः चले जाते हैं। आगे है अकार्बनिक पोषक ताल। तो अकार्बनिक पोषक ताल से मतलब है कि सूक्ष्म उपभोक्ताएं जितने भी रासायनिक घटकों को तोड़कर वायुमंडल में भेजेंगे तो जितने भी अकार्बनिक पोषक होंगे वो सारे फिर से जमीन में ही रह जाएंगे और वो फिर से उत्पादक उसको ग्रहण कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये भी पॉइंट खत्म हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पारिस्थितिक तंत्र की निम्न विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है संरचनात्मक विशेषता। तो संरचनात्मक विशेषता का क्या अर्थ है, हम लोग उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए संरचनात्मक विशेषता यानी संरचनात्मक आयाम का जो अर्थ है वो है उन सभी तत्वों से है जो एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र कौन बनाते हैं, तो वायुमंडल में मौजूद जैविक और अजैविक घटक। तो अजैविक कहने से तात्पर्य वो भौतिक घटक जो कि निर्जीव होते हैं। तो पहला है अजैविक व निर्जीव घटक। तो सबसे पहला है अकार्बनिक यौगिक, दूसरा है कार्बनिक यौगिक, तीसरा है जलवायवीय घटक। ठीक है, तो अकार्बनिक यौगिक में आते हैं कार्बन नाइट्रोजन, कार्बनिक यौगिक में आते हैं प्रोटीन लिपिड आदि जो भी है, जलवायवीय घटक में आते हैं तापमान प्रकाश, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं वायु, यह सारी चीजें जलवायवीय घटक में आती हैं। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सजीव घटक, मतलब और जैविक के बाद जैविक घटक जो है उसी को हम लोग सजीव घटक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सजीव घटक में क्या होता है कि उत्पादक जो है पादप होता है। ठीक है,
उसके बाद उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। उसके बाद अपघटक होते हैं, जिसे मृतकोशी या अपघटक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पर्यावरण है उसकी जो दो तरह की मुख्यतः विशेषताएं होती है, एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। तो हमने संरचनात्मक पर अभी चर्चा की, जिसमें कि अजैविक जैविक घटक या फिर सजीव घटक आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए चर्चा करते हैं क्रियात्मक विशेषताओं पर। क्रियात्मक विशेषताएं कहने से मेरा तात्पर्य वह सभी प्रक्रिया जिन्हें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा, मतलब जैविक घटक द्वारा किया जाता है, जैसे ऊर्जा चक्र, आहार श्रृंखला, विविधता, पोषण चक्र। तो ऊर्जा चक्र, जैसे ऊर्जा का जो मतलब स्थानांतरण है, रूपांतरण है, वो होता रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, जिसके मतलब वजूद पे उत्पादक यानी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फिर उस पेड़ पौधे को मनुष्य खा लेता है, मनुष्य को फिर जानवर खा लेते हैं, जानवर को अपघटक खा लेते हैं, फिर अपघटक के खाने के बाद वो सारी चीज़ें फिर से वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह का आहार श्रृंखला और ऊर्जा चक्र होता है। फिर विविधता, पोषण चक्र, ये सारी जो विशेषताएँ हैं, एक क्रियात्मक विशेषता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने हेडिंग दे रखा है, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि जीव मंडल होता क्या। तो पृथ्वी के जिस भी भाग में जीवन जहाँ पर उपस्थित है, जीवन की उपस्थिति जहाँ पर है, वो जीव मंडल है। तो जीव मंडल को जो है पारिस्थितिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी जल तथा वायुमंडल जो है, जो जीव मंडल है, वो पृथ्वी जल तथा वायुमंडल का वह भाग है जिसमें अनेक अपेक्षाकृत छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और प्रचालन करते हैं। तो ये जो जीव मंडल है ये बहुत बड़ा है। और पारिस्थितिक तंत्र में होता क्या है कि जो जैविक और अजैविक घटक है सभी जगह पे, और मतलब सभी जगह पे उसकी अपनी अपनी क्रियाएं अलग है। जैसे कि बिहार का रहने वाला मनुष्य की जो जीवन शैली होगी, उसके जो क्रियाएं होंगी अजैविक घटक से, जैसे कि सूर्य के तापमान इत्यादियों को ग्रहण करना, लकड़ी से उत्पाद प्राप्त करना, जंगलों से उत्पादन, वो अमेरिका के लोगों की शैली से अलग होगी। तो इस तरह की जो मतलब पारिस्थितिक तंत्र इस तरह से दो भागों में विभक्त हो गया, एक बिहार के लोगों के लिए अलग पारिस्थितिक तंत्र, अलग मतलब परिवेश, और अमेरिका के लोगों के लिए अलग पारिस्थितिक तंत्र, अलग परिवेश। इस तरह से जीव मंडल में बहुत छोटे 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 पारिस्थितिक तंत्र बने होते हैं और प्रचलन में होते हैं। तो इसी को मतलब हम लोग कह सकते हैं जीव मंडल में बहुत सारे छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है जीव मंडल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो जीव मंडल को तीन भागों में विभक्त किया गया है, थल मंडल, जिसको भूमि भूमि भी कहा जाता है, जल मंडल, जहाँ सिर्फ जल भी जल जल की उपस्थिति है, और वायुमंडल, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वायु की उपस्थिति है, वो वायुमंडल कहलाता है। अब कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जीव मंडल में जो है महासागर तल के 11,000 मीटर नीचे तथा समुद्र तल से लगभग 9,000 मीटर ऊंचाई तक यह जीव मंडल विस्तारित है दोस्तों। ठीक है, अब जीव मंडल में जो जीवन है वो महासागर से 200 मीटर नीचे, 660 फुट नीचे तथा समुद्र तल से लगभग 6,000 मीटर या 20,000 फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है।